देखिए दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो 50% से ज़्यादा नए ऑप्शन बायस क्या करेंगे, ये वाली कैंडल जब ऊपर क्रॉस करके जाएगी ना, तब इस कैंडल पर एंट्री ले लेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अब ये कैंडल बन गई, ज़्यादातर ट्रेड 50% तो यहाँ पे ले लेंगे, इसको ऊपर क्रॉस करके जा रही है, तब वो बचे हुए 50% कब लेंगे, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, अब यहाँ से तो मार्केट गिर गया, तो यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे और दोनों ही फंस जाएंगे ऑप्शन बायर। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए, मैं तो फिर भी ये चैनल खेच रहा हूँ, वो चैनल भी नहीं खेचेंगे, वो उसके एक ट्रेड लाइन ही खेचेंगे इसे, और इसकी वजह से उनको बहुत ही फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। इसलिए हमेशा चैनल का यूज़ करना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस नीचे वाले चैनल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी ना, तभी हमारी एंट्री बनेगी। ऊपर कुछ भी बने, अपने आप को बहुत जोर से रोक के रखना है कि ट्रेड नहीं लेना। हाँ, दिल करेगा कि ट्रेड ले ले, ट्रेड ले ले, लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड कब लेना, अब यहाँ पर देखिए, ऊपर कैंडल क्लोज करी, उसके बाद हाई तोड़ के गई, हाई तोड़ के जाने के बाद में हमारी एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे हो जाएगा, तो हमारा ट्रेड आप देखिए बिल्कुल सक्सेस हुआ है। इसलिए कैंडल को चैनल के नीचे क्लोज होने के बाद उसका हाई तोड़ के जाए, तभी हमें एंट्री लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम पैटर्न बना है, और ये मैंने बताया था कि एम पैटर्न बनने के बाद में अगर छोटी सी ये वाली कैंडल बन गई ना, तो ट्रेड 100% सक्सेसफुल होगा, ये मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना था, तो ये छोटी मोटी चीज़ें ये ध्यान रखना है, ये आपको मैं आपको बता दूंगा, आप हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन